हाय एवरीवन, तो इट्स डे 3 ऑफ चैलेंज। तो भैया आज हम चालू करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है फेडरलिज्म। अभी फेडरलिज्म क्या होता है, देखो एक सिंपल सी थ्योरी समझा रहा हूँ। ये है कि किसी भी वर्ड के एंड में जब आप ISM लगाते थे हो ना, तो वो एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? आइडियोलॉजी का मतलब है जब बहुत सारे लोग किसी एक आइडिया पे बिलीव करें तो उसको आइडियोलॉजी बोल दिया जाता है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म है क्या, पहले ये समझो। फेडरलिज्म डेमोक्रेसी का टूल, हाँ बिल्कुल वही वाला टूल जिस तरीके से क्लास और पेचकस यूज होता है ना, डेमोक्रेसी यूज करती है फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा सरकार हो, बेसिकली दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट होना इज कॉल्ड फेडरलिज्म। ठीक है, अब इस कहानी में ये जो फेडरलिज्म है वो टूल की तरह कैसे काम कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी कभी भी अकेली काम नहीं करती थी, उसको चाहिए बहुत सारे टूल। जैसे हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था पावर शेयरिंग के बारे में, और अभी हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म के बारे में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पावर शेयरिंग के अंदर जो पावर है वो इक्वल और अनइक्वल दोनों तरीके से डिवाइड होती है ना, बट फेडरलिज्म का मतलब है कि यहाँ पे पावर डिवाइड होना सरकारों में, अब वो इक्वल तरीके से हो या अनइक्वल तरीके से हो ये डिपेंड करता है। और ऑब्वियस सी बात है कि सरकारों के अंदर जो पावर है वो अनइक्वल तरीके से ही होगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए तो देश की भजिया हो जाएगी भाई साहब। तो इसीलिए फेडरलिज्म का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना इज कॉल्ड फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का एक सौतेला भाई भी है, हाँ सौतेला भाई, फेडरलिज्म का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, देखो भैया वर्ड यूज हो रहा है यूनी, यूनी का मतलब सिंगल, तो बेसिकली जहां पे एक ही गवर्नमेंट है उसको बोला जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट। समझ आई बात, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फेडरलिज्म की। और जब भी मैं किसी चीज की बात करूं या तुम लोग कभी किसी चीज को जो खरीदने जाते हो तो हमेशा उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा तो ना यार पापा ने बोला फोन खरीदना, तुमने लाख रुपए की गड्डी निकाली और मुंह में फेंक के मारा कि ला दी देखो फोन, नहीं ना, कितना भी महंगा हो फीचर तो देखोगे। सेम उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में। तो क्या फीचर्स है, चलो जी जल्दी से फटाफट से समझना चालू करते हैं। देखो जी सबसे पहली चीज आती है और वो ये है कि जो फेडरलिज्म है उसका मतलब यही है और पहला फीचर यही है कि वहां पे दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको फेडरलिज्म बोला जाता है। दूसरा फीचर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है कि भैया जो ये गवर्नमेंट है जहाँ पे ये जो पावर डिवाइड हो रही है गवर्नमेंट के बीच में, कि मतलब फलानी के पास ये वाली है, ढिगानी के पास ये वाली पावर है, तो ये पता कैसे चलेगा कहाँ पे लिखा है? और एक सिंपल सी बात है कि एक देश के अंदर इतनी सारी गवर्नमेंट बना देंगे तो देश के जो लोग हैं वो तो सेम ही है, नहीं समझे बात? इसका मतलब ये है कि एक देश के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक देश के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक देश के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट है। अब इन तीनों को कैसे पता चलेगा कि इनको किन लोगों को गवर्न करना है, किन लोगों को कंट्रोल करना है? तो ये सारी जो चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रिटन है। वहां पे बता रखा है कि भैया आपका जुरिसडिक्शन एरिया कौन सा। सिंपल सी बात, एक एग्जांपल से समझो कि अगर आप जेब काटते हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाया जाएगा, आप SGM कोर्ट में जाओगे। अगर आप मर्डर करते हो तो आपको SGM कोर्ट में नहीं लेके जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाओगे। इसी हिसाब से हमारा जुरिसडिक्शन के लेवल बटे हुए हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है, मतलब कि ये जो गवर्नमेंट है वो किन लोगों को गवर्न करेगी भाई। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश को कंट्रोल कर रही है, उसके अंदर सारे बंदे आते हैं, बट जो केजरीवाल है, मतलब हमारे माननीय दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, वो आंध्र प्रदेश के लोगों को थोड़ा गवर्न करेंगे, वो तो दिल्ली के लोगों को गवर्न करेंगे ना। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिंपल सी बात है भैया, देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या जुआ खेलेंगे? ठीक है, उस पर ड्रीम इलेवन पे टीम बनाएंगे? नहीं ना। तो ये पैसा, ये जो टैक्सेशन, ये जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी, और ये आता है हमारा फंडामेंटल प्रोविजन की। भैया फंडामेंटल प्रोविजन क्या है, समझा देता हूँ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे लॉज लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस लिखे हैं। तो अगर कल को जैसे मेरे पास ज्यादा पावर है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, और मैं दरमा में एक फितूर उठा कि क्यों ना बाप राज, क्यों ना पूरे देश पे अकेला मैं ही राज करूँ, क्यों ना तानाशाही ले आऊँ, और मैं जाके कॉन्स्टिट्यूशन में रबड़ लेके और यही मिटोने लग जाऊँ और पेंसिल से दोबारा लिख दूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रिटन है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ को हटाना है तो आप क्या करोगे, तो आपको दोनों सरकार, मतलब कि स्टेट एंड सेंट्रल दोनों की अथॉरिटी चाहिए, तभी उसके अंदर कुछ चेंज आ सकता है, नहीं तो चेंज नहीं आ सकता। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं एक और फीचर की तरफ। नया फीचर जो है हमारा वो है कि भैया जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्ट करने की। जी बिल्कुल सही बात है,
हमारे जो कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है। देखो एक सिंपल सी बात है कि ये जो लाइन ऑफ पावर है ना वो तीन अथॉरिटीज में बटी हुई है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। मैंने पावर शेयरिंग में समझाया था, लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून लागू करने का, और जुडिशियरी का काम है उसे रिव्यू करने का। बट फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर किसी कानून में कोई दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, लोग बड़े बवाल काट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या होगा? कोई तो रखवाला आएगा ऊपर वाले का उसे बचाने। तो यहीं पे जो जुडिशरी है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्ट कर सकती है, वो उस लॉ को जो है वो हटवा सकती है, वो उसे जो है दोबारा से रिव्यू करवा सकती है, वो उसे एडिट करवा सकती है, वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी चीजें हमारे इसमें लिखी है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको सिर्फ और सिर्फ फेडरलिज्म में मिलेगा, यूनिटरी में नहीं मिलने वाला। अच्छा, यूनिटरी का एक एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ भाई कि यूनिटरी कहाँ पे चल रही है, क्या हो रहा है। यूनिटरी का एग्जाम्पल है चाइना का। क्लास नाइन्थ में पढ़ा था हमने सीसीपी के बारे में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, है ना। तो चाइना के अंदर जो है वो भैया सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है जो पूरे देश को कंट्रोल करती है, और यही है यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल। अब जो उनके दिल में आएगा वो करेंगे। एक सिंपल सी बात समझो कि एक बड़े लेवल पे, मतलब तुम्हारी क्लास के अंदर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, वही मैथ्स पढ़ा रहा है, वही साइंस पढ़ा रहा है, वही एसएसटी, वही इंग्लिश। तो क्या धेला समझ में आने वाला है किसी को भी कुछ? इतनी क्राउड में क्या इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा? नहीं समझ आएगा ना। यही यूनिटरी गवर्नमेंट में हो रहा है हाल कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे जब एक सिंगल गवर्नमेंट काम करेगी तो लो लेवल पे कैसे लोगों की डिमांड्स को समझेगी वो? और यहीं पे आता है फेडरलिज्म, वो अपनी रेडी में बहुत सारा सामान रखता है, वो लोग जो है वो इंडिविजुअल अटेंशन देता है जाके, बिल्कुल बाबू छोड़ना की तरह। ठीक है, तो फेडरलिज्म के ये कुछ खासियत है। आगे बढ़ते हैं एक और फीचर की तरफ, और नया जो फीचर है हमारा वो ये है कि भैया जो सोर्स ऑफ रेवेन्यूज है ना, सोर्स ऑफ रेवेन्यूज का मतलब क्या है? देखो, अब एक फैमिली के अंदर दो बालक थे और पिताजी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को बांट देते हैं दोनों बालकों में कि फलाने के पास ये वाला घर आएगा, ठिकाने के पास ये वाला घर आएगा, और जो उनका काम धंधा था वो भी बांट देते हैं। अब ये बांटने का मुद्दा क्यों था? मुद्दा ये था कि कल को दोनों भाई आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े ना, कि भैया इस वाली जगह से जो पैसा आ रहा है वो भी मैं रखूंगा, इससे जो आ रहा है वो भी मैं रखूंगा, ये भी मेरा वो भी मेरा, और आपस में कुटम कुटाई चालू हो जाए। चलो जी, तो लास्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि भैया फेडरलिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो भैया, फेडरलिज्म के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेव गार्ड दी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता। इंडिया जो है वो इतना विभिन्न है कि खाने के बेसिस में, नहाने के बेसिस में, धोने के बेसिस में, हर चीज के बेसिस में भाई बटा हुआ है। और जब इतने डिफरेंट तरीके के लोग रहते हो, इतना डिफरेंट कल्चर हो, तो उन सबको एक साथ लेके आना टफ नहीं? इसी वजह से फेडरलिज्म जरूरी है, ताकि एकदम लोअर लेवल पे जाके काम करा जा सके। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रमोट यूनिटी। अब जब इतनी विभिन्नता है तो उनके बीच में एकता भी तो लानी पड़ेगी, है कि नहीं? उन सबको यूनाइट भी तो करना पड़ेगा, और यहीं पे फेडरलिज्म अपना पूरा प्रॉपर काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भैया जो फेडरलिज्म है वो कितने तरीके का है। तो फेडरलिज्म है हमारा दो तरीके का, टू टाइप्स है फेडरलिज्म के। क्या होते हैं बड़े ध्यान से समझना। तो बात करते हैं दो तरीके की फेडरलिज्म के बारे में। सबसे पहली फेडरलिज्म आती है हमारी होल्डिंग टुगेदर, दूसरी आती है कमिंग टुगेदर। फर्क क्या है? देखो भैया, कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है? आओ भाई, सब साथ में आते हैं और चिल फिल करते हैं, पार्टी करते हैं, है ना। होल्डिंग टुगेदर का मतलब है अभी ना जाओ छोड़ के। ठीक है, अब क्या है बड़े ध्यान से समझो। कमिंग टुगेदर के अंदर क्या होता है? इस फेडरलिज्म के अंदर ना जो छोटी छोटी पावर है वो सब एक साथ आ जाती है और आके एक बड़ी पावर बना देती है। इसको बोला गया है कमिंग टुगेदर। या आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर वहाँ की 56 जो स्टेट्स हैं उन सबके पास इक्वल पावर है। इतनी इक्वल पावर है कि भैया सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पावर है वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास सबके पास सेम पावर है। इतना ज़्यादा कॉमन है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि तुम लोग जो है पार्टी करने गए अपने दोस्तों के साथ, और जब पार्टी करने गए तो तुमने कहा कि देख भाई मेरे पास 500 रुपये पड़े हैं, सब 500 रुपये मिलाओ, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन करके हम लोग पार्टी करेंगे। दिस इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर। समझ गए? क्लियर है? जहाँ क्वालिटी वाला गेम चल रहा है। इसका एग्जाम्पल में आता है हमारा यूएसए और स्विट्जरलैंड। दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर, अभी ना जाओ छोड़ के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब तुमने क्या किया कि तुम दोबारा से पार्टी करने गए, बट इस बार तुम्हें नीचा किस्म वाले दोस्त हमारे साथ थे, तो अब तुमने कहा कि देख भाई 500 रुपये मेरे पास है और तुम लोग भी 500 मिलाओ। तो 500 तो नहीं मिलाए,
एक बंदे ने जेब से 5 रुपए निकाले, दूसरे के 10 का फटा हुआ नोट निकाला, एक ने बोला कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, एक ने बोला कि भाई कल लाके दे दूंगा, और इस तरीके से सबके सब कंगले तुम्हारे साथ जो है लग गए, तुम्हारे साथ पार्टी करने चले गए, जो तुमने 500 रुपए लगाने थे वो 1500 रुपए लगा के आ गए, और बाद में उन्हें कॉल करके उनसे पैसे मांग रहे थे, भाई साहब दे दे इतना कॉन्ट्रीब्यूशन बैठ रहा है दे दे, और सब खा पी के एकदम मस्त है, कोई देने को राजी नहीं है। दिस इज कॉल्ड मोटिव बिहेवियर, कि जहाँ पे आप पावर को कई बार अनइक्वल तरीके से डिवाइड कर देते हो, जिसका एग्जांपल है इंडिया का। अब इंडिया के अंदर जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से पार्ट नहीं बना था, आज़ाद नहीं हुआ था, पार्ट तो था पर पूरी तरीके से जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो जम्मू एंड कश्मीर के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स थी। एक्स्ट्रा पावर क्या थी? सबसे पहला उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, आप वहाँ पर जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते थे। दूसरी चीज कि वहाँ की जो सरकार है वो अलग बनती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था पर इतना ज़्यादा नहीं था। आई वॉज समझ रहे। एक और एग्जाम्पल के तौर पे, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके पास अपनी पुलिस नहीं, बाकी जितनी स्टेट की गवर्नमेंट है सबके पास अपने पास पुलिस है। तुम कहोगे सर दिल्ली तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही बात है यूटी है, बट उसके बावजूद भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी खुद की पुलिस नहीं है। तो देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा यहाँ पर पार्शलिटी है, किसी के पास बहुत पावर, किसी के पास बहुत कम पावर, और यही है होल्डिंग टुगेदर। कि जहाँ पे ऐसे करके रोकते हैं भाई बच्चा रुक जा, भाई तू भी रुक जा, और ऐसे करके तुमने पकड़ रखा है सबको, एंड दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भैया जो इंडिया है वो कैसे फेडरलिस्टिक कंट्री है और कैसे फेडरलिज्म वहाँ पे फॉलो होता है। तो एक चीज़ में बड़े ध्यान से समझ लो भाई, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का लार्जेस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा और सबसे हेवी। ठीक है, इतनी बड़ी पोथी पतरी है वो, और वो इसलिए है क्योंकि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमने कॉपी पेस्ट, हमने क्या किया दुनिया के जितने आज़ाद देश थे सबके कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, जो कि बढ़िया लगा कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ, उसे उठाया मॉडिफाई किया थोड़ा बहुत, चटनी वटनी लगा के बस उन्हें छाप दिया। ऐसा नहीं है सारे लॉ हमारे कॉपीड है, ऐसा नहीं है भाई, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इट कॉपीड है, पेस्टेड है, और उसमें मॉडिफिकेशन कर रखी है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लेंथी है ना। अब दूसरी चीज ये है कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से फेडरलिस्टिक नहीं है, इंडिया क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है कि भैया बड़ा ही एडेप्टेबल है, जब चाहे फेडरलिज्म अडोप्ट कर सकता है, जब चाहे उसे हटा सकता है। ठीक है, अब अभी तुम्हारे चैप्टर के अंदर इतना ज़्यादा ये नहीं घुसा रखा, तो मैं भी नहीं घुस सकता इसके लिए, बट इतना ध्यान में रखो कि इंडिया क्वासी फेडरल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भैया इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस होती है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो जी, अब कैसे होती है भैया, देखो अब मैंने अपने यहाँ पे 3 सर्वेंट्स रखे और उन 3 सर्वेंट्स को बोला तुम्हें काम करना, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं क्या काम करना है, तो क्या करेंगे, बैठ के मौज काटेंगे, यही होगा। तो अगर मैं उन्हें बताऊंगा नहीं क्या कैसे काम करना है तो कैसे पता चलेगा, यहीं पे आता है कि भैया इंडिया को फेडरलिस्टिक बनाती है उसकी 3 लिस्ट। अब ये 3 नहीं है, ठीक है, ये है 4, बट अभी हम सबसे पहले 3 समझते हैं। सबसे पहली आती है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, एंड तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट के अंदर काम लिखे हुए हैं कि कौन सी गवर्नमेंट कौन कौन से काम करेगी, कौन सी गवर्नमेंट कौन कौन से काम नहीं करेगी। तो सबसे पहला आता है हमारा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे काम, वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस, फॉरन अफेयर्स और करेंसी, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं किसके अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर। एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि भैया कल को अगर करेंसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दी जाए, है ना, तो जो साउथ वाले हैं वो रजनीकांत के नोट छपा रहे हैं, दिल्ली वाले सल्लू भाई के छपा रहे हैं, बॉम्बे वाले शाहरुख खान के छपा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा खराब हो जाएगा माहौल, है ना। तो इसी वजह से ये जो बड़े बड़े मैटर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा। फिर आती है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं हमारे बहुत सारे काम जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि इरीगेशन, जैसे कि लैंड अफेयर्स, ये सारे के सारे आते हैं किसके पास, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग है ना चीज़ें, इसी वजह से। साथ ही साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कंट्रोल आता है आर्मी का, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास कंट्रोल आता है पुलिस का, समझ गए, क्लियर है। अब आता है एक और पॉइंट, एक और लिस्ट जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। अभी कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कल को कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जिसमें इन दोनों को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एडुकेशन, जैसे हम लोग सब सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कुछ आईसीएसई वाले भी होंगे और बहुत सारे स्टेट बोर्ड वाले भी, तुमने सुना होगा यूपी बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो इतने सारे एजुकेशन बोर्ड है,
है ना, बच्चा जो चाहे वो लेके जिस बोर्ड में घुसना चाहे उससे पढ़ सकता है। बट कल को इनके बीच में लड़ाई हो जाए कि भैया मार्किंग कैसे निकलेगी, क्या क्या इसके जो है चेकिंग पैटर्न रहेंगे, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस पर मिलकर काम करती है। एक और एग्जाम्पल है इसके सब्जेक्ट का, वो है एडॉप्शन। एडॉप्शन के अंदर अब कई जगह पे जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं, कई स्टेट्स के अंदर, कई स्टेट्स के अंदर सेम चल रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आता है मैरिजेस का। जैसे बहुत सारे ट्राइब के अंदर, आज भी बहुत सारे ट्राइब्स के अंदर अर्ली मैरिजेस हो जाती है। जी तो बचपन में आता था ना वो हमारा, वो वाला कौन सा शो आता था, बालिका वधू, उस टाइप्स वाला। ठीक है, तो ऐसी आज भी हो जाती है, तुम खुश हो तो तुम्हारी ना होने वाली होगी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा रहो। तो जो वो बालिका वधू वाले जो चीज़ें हैं, जो ऐसी ट्राइब्स हैं उनके यहाँ पे अभी भी हो रही है। तो ये मैरिजेस में भी बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं जो स्टेट और सेंट्रल मिलकर काम करते हैं। बट पॉइंट ये आता है कि कल को अगर इन दोनों के बीच में मियां बीवी वाली लड़ाई हो जाए, घरेलू कलेश हो जाए, तो किसके पास अथॉरिटी आएगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन है कि अगर ऐसा मुद्दा क्रिएट होता है तो ये पावर जाएगी सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। समझ गए, क्लियर है? चलो एक टिप दे देता हूँ, और यहाँ पे आती है हमारी रेजिड्यूरी लिस्ट, आखिरी वाली मैंने बताई थी ना, कि रेजिड्यूरी लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जो इन फ्यूचर आगे चल के बढ़ेंगे, जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा होगा, जिसका एग्जाम्पल है AI, कंप्यूटर साइंस और टाइम ट्रैवलिंग। देखो भैया, अब बात ये आती है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो आगे चल के बहुत ज़्यादा डिमांड में बढ़ने वाले हैं, इसकी पावर किसके हाथ में आएगी? इसकी पावर आएगी भैया सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तुम कहोगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में क्यों? मान लो बिल्कुल टाइम ट्रैवलिंग जो है वो लॉन्च हो जाती है, चालू हो जाती है, गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है, सबके लिए लीगल हो जाती है, तो कोई तो स्टेट 5 रुपये में करवा रही है जाओ अपने पास्ट में, ठीक है, कोई 10 रुपये में करवा रही है, कोई 1000 रुपये ले रही है, कितनी कॉन्ट्राडिक्शन होगी भाई, लड़ाइयाँ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे रखी है। आई बात समझ में? अब आगे और बढ़ते हैं और फेडरलिज्म को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि इंडिया में और किस तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया है, किया जा रहा है, और फेडरलिज्म किस तरीके से सक्सेसफुली काम कर रही है। चलो जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नए कंसेप्ट पे जिसका नाम है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स? लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या है कि देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ाद होने के बाद हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने सोचा कि यार इंडिया में बहुत सारे लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब अगर तुम्हें ऑन एन अप्रॉक्स बताऊँ तो एक टाइम ऐसा था जहाँ पे 200 से ज़्यादा रीजनल डायलैक्ट्स बोले जाते थे, हर किसी की अपनी अलग लैंग्वेज थी, और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो क्या ही समझ में आएगा, है कि नहीं? तो इसी वजह से हुआ गया कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि देखो इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बांटी, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो इंडिया के अंदर जो यूनिटी है वो नहीं रहेगी, वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि इंडिया को बिना लैंग्वेज के बांटते हैं और फिर देखते हैं। बट लोगों ने कहा कि यार लैंग्वेज के बेसिस पर बांटो, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पर बांटोगे तो यूनिटी बढ़ेगी। बट लीडर्स ने मना कर दिया, नहीं होगा ऐसा। और जब ये चीज़ करी उन्होंने, उन्होंने स्टेट्स बांट दिए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनाए, तो बड़ी दिक्कत होने लगी। ठीक है, अब लोग जो आपस में ढंग से यूनिटी नहीं थी, आपस में बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन हो रही थी, बड़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने देखा और उन्होंने क्या किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट करी, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए, नहीं जैसे कि पंजाब, जैसे कि केरला, जैसे कि आंध्र प्रदेश, है ना, समझ लो मेरी बात को, जैसे कि गुजरात। तो इस तरीके से जब ये स्टेट्स बनाई ना, तो जो गवर्नमेंट ने सोचा था यूनिटी नहीं क्रिएट होगी, उसका अपोजिट हुआ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल पे यूनिटी चली गई, रीजनल यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और यहीं पे इसी तरीके से हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म सबसे पहले फॉलो किया गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स में। अब आगे और क्या किया गया? देखो भाई, जब आपके यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो आप हर किसी को जो है वो मना तो नहीं कर सकते कि नहीं भाई मेरे को समझ में नहीं आ रही तो क्या बोल रहा है, ठीक है मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ उसमें बात करके बता, अब उसको पूरी स्टार्टिंग से तो ना सिखाओगे तुम वो वाली लैंग्वेज। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने बनाई लैंग्वेज पॉलिसी। अब इस लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर क्या किया गया, एक बंदे को हायर किया, उसे बोला कि जा और पूरे देश में घूम और देख कि हमारे देश में कौन कौन सी और कितनी कितनी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है भाई, करते हैं। वो गया, निकला और उसने खूब भ्रमण किया, देश भ्रमण किया, और करने के बाद वापसी आके बताया कि देखो भाई इंडिया के अंदर 40% से ज़्यादा लोग जो है हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी जो लैंग्वेजेस है वो चुटर पुटर थोड़ी 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 बोलते हैं। अब हिंदी को जो है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। दूसरा, बाकी 22 लैंग्वेजेस को जो ज़्यादा मेजोरिटी में बोली जाती थी उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल लैंग्वेज का क्राइटेरिया दे दिया। क्या होता है शेड्यूल लैंग्वेज? ठीक है, समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि
कल को जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो या कोई और गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह क्रिएट होती है तो वो एक तो हिंदी में बनेगी और बाकी 22 लैंग्वेजेस में भी होगा, ताकि लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। इनको भी इक्वल वेटेज दी गई जितनी हिंदी को दी गई, समझ आई बात? ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत और है, दिक्कत यह है कि भैया जो हमारे जो स्टेट के जो लोग थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल केरला का जो मिनिस्टर्स थे, वो जब पंजाब वाले मिनिस्टर से बात करते थे, पंजाब के मिनिस्टर से बात करते थे, तो पंजाब वाला जो सॉरी उसे गुर्रा करते रहते थे, केरला वाले इन लकौड़े करते रहते थे और आपस में बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आता था। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो भैया अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसे ऑफिशियल स्पीकिंग लैंग्वेज बनाना पड़ेगा, और यहीं पे इंग्लिश को ऑफिशियल कम्युनिकेटिव स्पीकिंग लैंग्वेज बना दिया। तो आज के टाइम पे शेड्यूल लैंग्वेजेस और बढ़ गई है, बट अगर पिछले टाइम पे देखें तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज, एक हिंदी लैंग्वेज और एक इंग्लिश, 24 टोटल 24 लैंग्वेजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भैया इन लैंग्वेजेस पे आप लोग काम कर सकते। आई बात समझ में क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, अब एक नए टॉपिक, एक नए इंसिडेंट पर बढ़ते हैं जिससे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से भाई चेंज हो गया और फेडरलिज्म अच्छे से काम करने पे चलो। ये तो बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, ठीक है। अब सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब क्या है, तो देखो भैया जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था ना तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भी बहुत सारी थी, ठीक है। लेकिन जिस जो पावर में थी वो INC थी, वो बहुत टाइम तक उन्होंने राज किया, बढ़िया तरीके से राज किया। अब जब आदमी के पास पावर ज़्यादा आ जाती है ना तो गवर्नमेंट भी ज्यादा होता है, उसको लगता है कि सारी ताकत चाहे इतनी हो या इतनी हो सब मेरी है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जब जब किसी स्टेट के अंदर कोई और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी भाई, वो किलस जाते थे सेंटर वाले, जबरदस्त किलस जाते थे। और फिर वही जैसे बड़ा भाई करता है ना, ठीक है चुन पेश करना, ठीक है परेशान करने के लिए, वैसे ही सेंटर वाले करते थे, ठीक है कभी स्टेट असेंबली डिसमिस कर देना, कभी कुछ कर देना, कभी फलाना कर देना, कभी ढिकाना कर देना, बहुत परेशान हो जाते थे स्टेट वाले, क्या हमें तो काम ही नहीं करने दे रहे, ठीक है बिल्कुल ही जानवर जैसा समझ रखा है, हम लोग अपनी स्टेट को कैसे प्रमोट करेंगे। और यहीं पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने देखा बड़ा ड्रामेबाजी चल रही है, ठीक है इस तरीके से तो इंडिया डेवलप नहीं होगा। तो उन्होंने एक नया लॉ बनाया, एक नया फॉर्मेट लेके आया और उसका नाम रखा गया डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या, देखो भाई जब तुम मॉल्स वगैरह में गए होगे तो तुमने ये चीज़ देखी होगी कि मॉल्स की सारी सारी दुकानों में एक ही तरीके की एसी है और ऊपर वेंटिलेशन में लगे हुए हैं, हवा आ रही है और सब में सेम चल रहा है ना। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज, जहाँ पे एक बड़ी पावर से सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं उसको सेंट्रलाइज बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे घर में अगर ऐसे एसी लगा दिया जाए तो ऐसा बिजली का बिल कौन भरेगा, बस सूट देंगे बढ़िया करके, तो तभी अलग अलग कमरों में अलग अलग एसी लगे हुए। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड एसी, ठीक है कि जब आपको जिस कमरे में यूज पड़े आप वो कर रहे हो, ठीक है। तो यहीं पे हमारे पास आता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बड़ी पावर से थोड़ी थोड़ी पावर ले लेना और एक नई पावर क्रिएट कर देना, इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए, क्लियर है? नहीं आया समझ, और अच्छे से समझाता हूँ। देखो भाई अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया गया, एक नए लेवल ऑफ गवर्नमेंट का निर्माण किया गया, हाँ नए लेवल ऑफ गवर्नमेंट का। तो हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों से थोड़ी सी पावर मिला के एक नया पिकाचू बनाया गया जिसका नाम रखा गया लोकल गवर्नमेंट, ठीक है एक नई तरीके की गवर्नमेंट जिसका नाम रखा गया लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे काम करती थी, लोकल लोगों के लिए काम करती थी। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पावर शेयरिंग चैप्टर में ना मैंने तुम्हें कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में समझाया था, सेम उसी लेवल पे, ठीक है मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ सबसे। क्लियर, फेडरलिज्म जो है वो इंडिविजुअली काम करने की सोच रहा हूँ, कह रहा है कि मैं लोअर लेवल पे जाके लोगों की सारी समस्याएं पूरी कर दूँ, है ना। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में कि देखो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी थोड़ी पावर ली और थोड़ी थोड़ी पावर लेके एक नई तरीके की गवर्नमेंट बनाई तो इसका नाम रखा गया लोकल गवर्नमेंट। और इस लोकल गवर्नमेंट का काम क्या था, लोकल लेवल पे लोगों को हैंडल करना, उनकी समस्याओं का समाधान निकालना, ये काम था लोकल गवर्नमेंट का। बट जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो तो डेमोक्रेसी में हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट में सेम चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि वही सेम ट्रांसपेरेंसी, वही सेम अकाउंटेबिलिटी जो बाकी गवर्नमेंट दे रही है। अब लोकल गवर्नमेंट में भी हमने वही सेम चीज़ें करी। सबसे पहले चीज़, 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया वुमेंस के लिए जो कि बाकी दोनों गवर्नमेंट ने दी। दूसरा, हमने कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया SC ST OBC के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि भैया हर 5 साल में जो इलेक्शन जो होते हैं वही हमने सीधे लोकल गवर्नमेंट में किया और एक गवर्निंग बॉडी रखी कि भैया जो इलेक्शन है वो सही तरीके से होंगे कि नहीं होंगे उसको देखने वाले रखा,
तो ये सारी की सारी चीजें हुई डिसेंट्रलाइजेशन के बाद। और डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हुआ क्या, एक नई लेवल की गवर्नमेंट बनी जो कि लोकल लेवल पे काम करेगी। बट पॉइंट ये आता है कि सर इसके पास जो पावर है वो कहाँ से आएगी, तो थोड़ी पावर सेंटर से दी गई, थोड़ी पावर स्टेट से दी गई। पैसा कहाँ से आएगा सरकार चलाने के लिए, तो पैसा जो है वो स्टेट से आएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन कर, आई बात समझ में क्लियर है। अभी हम बात करते हैं कि जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो रूरल एरियाज पे डिफरेंट होती है और अर्बन एरियाज में डिफरेंट होती है। रूरल एरियाज में कैसे डिफरेंट होती है कि वहाँ पर बहुत ही लोअर लेवल पे काम करती है। जैसे गांव के अंदर सबसे पहले आती है पंचायत, समझे, जिसका जो हेड है वो होता है सरपंच। अब बहुत सारी पंचायत जब मिलती है तो वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, एक और बड़ा ग्रुप बनाती है जिसका नाम रखते हैं पंचायत समिति। जब बहुत सारी पंचायत समिति साथ में मिलती है तो बनाती है जिला परिषद, जिसको ब्लॉक और मंडल बोला जाता है, और अर्बन एरिया में इसको एनसीडी बोला जाता है, म्यूनिसिपैलिटी। और म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड है वो होता है मेयर। सो आपका जो चैप्टर है फेडरलिज्म पूरी तरीके से खत्म हो गया है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने बहुत ही तेज पेस पे करा, अब वन शॉट भी दिया है तो ऑब्वियसली बात है तेज तो हो गई। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपके डाउट्स हैं, आपको कोई भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत परेशानी बदहजगी उल्टी जैसा लग रहा है, तो भाई साहब कमेंट में फेंक के मारो अपने डाउट, आपको उसका समाधान मिलेगा सिर्फ लोकल गवर्नमेंट जैसे करती है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर से लिखिए, अपने रिव्यूज़ अपने फीडबैक्स कमेंट में ज़रूर से लिखिए। कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर लानी है तो उसके बारे में बताइए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय।